तो हमने डिस्कस किया था कि इस प्लेलिस्ट में हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कम से कम हमारी ऐसी हो जाए कि फर्दर लेवल की इंग्लिश को सीखने समझने के लिए हम क्लियर हो जाएं, ठीक है। और हाय सर, हाउ कैन आई ज्वाइन योर न्यू बैच? देखिए, न्यू बैच वगैरह तो अभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ऑफलाइन का जो है वो भले ही एक ऑप्शन हो। ऑनलाइन के तो हमने 5 तारीख को एडमिशन्स बंद कर दिए थे, जैसा कि हमने एक दो बार अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि 5 तारीख को उसके एडमिशन्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें तो कोई नया एडमिशन नहीं हो पाएंगे, कोई नया बनाएंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा यूट्यूब पर, तो कर लेना। मेरा भी मंदिर बनवाने का मन कर रहा है वहीं पर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आस्तिक आदमी हूँ, बहुत बड़ा आस्तिक हूँ, ठीक है, और मैं ईश्वर में बहुत बड़ी श्रद्धा रखता हूँ और ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में मेरे साथ जो भी हुआ है, मैं जो भी हूँ, उसका मतलब करता धरता सब वही है। मेरी कोई ऐसी औकात नहीं थी या मैं कोई इतना बड़ा ज़्यादा डिजर्व भी नहीं करता, जितनी चीज़ें मैंने पा ली हैं, जो हो गया, या इतने बच्चे अगर प्यार करते हैं और इतने बच्चे मुझसे लगता है कि उन्हें कि मैं सिखा सकता हूँ, वो ये मानते हैं कि मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, तो ये सब ईश्वर की मेहर है, उसी की कृपा है, ठीक है। तो मैं आस्तिक हूँ बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन कर्मकांडों में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, मतलब मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, पूजा पाठ, व्रत त्यौहार, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ये मैं ये नहीं कर पाता, ठीक है। मैं ईश्वर को सोते टाइम बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने बहुत अच्छा मेरे साथ किया, ठीक है, और जो भी मेरे साथ होता है ना, मैं सब उसी को क्रेडिट देता रहता हूँ। तो आस्तिक हूँ, बाकी मंदिर मस्जिद के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता, ठीक है। मंदिर तो मैं हमेशा अपने आसपास ही देखता हूँ, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वो जो करने धरने वाला है वो हमेशा मेरे आसपास है और वो सुपर चीज़ें करता है, इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ से करना भी नहीं चाहता। तो खैर, आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। तो जहां तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया, तो पिछले लेक्चर्स में अब लोग, तुम लोग ना 10 मिनट में लास्ट में बात करूंगा, जब मैं पहले अपने कॉन्सेप्ट्स निपटा लूंगा तब आप लोगों के साथ में बात करूंगा, तब मौका दूंगा सुनने का, ठीक है। तब जो कहना हो उसको कहवा लेना, मैं बाद में सुनूंगा, इस समय अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और सर प्लीज फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कीजिए ताकि मैं भी एडमिशन ले लूं। देखो, ये पता है क्या, आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो बात ये हो रही थी कि हमने पिछली क्लास में सबसे पहला जो था, जो हमने वीडियो डिस्कस किया था, उसमें हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज लर्निंग, कि एक्चुअल में लैंग्वेज होती क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है और उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में फिलहाल में हमने सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉज क्या है, क्लॉजेस के टाइप क्या है, ठीक है, और फ्रेज क्या है, फ्रेज के टाइप क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, पिछली पार्ट का ही थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट जो मुझे पिछली क्लास में डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन काफी टाइम हो गया था तो हम उस क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए, उसको पहले आज की क्लास में डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने पिछली क्लासेस में सेंटेंस क्या है ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, मतलब सेंटेंस किससे बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब हमने सीखा, ठीक है। जरा सेंटेंस के टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस जो होते हैं इनके टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, इनको हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक तो हम सेंटेंसेस को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि हम उस सेंटेंस का यूज कर क्यों रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस है, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके थ्रू क्या फंक्शन लेना चाह रहे हैं, मतलब उसका काम क्या है, ठीक है। मैं चैट नहीं होता, अब देखो एक बच्चा है शुभम, कह रहा है कि मेरे मोबाइल से चैट नहीं होता इसलिए भाई के मोबाइल से कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है, बढ़िया, अपना फोन दिखा लो या बदल लो फोन, और क्या करोगे। खैर, तो अगर हम सेंटेंस को कैटेगराइज करें तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम सेंटेंस को दो बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हम सेंटेंसेस का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि कोई भी सेंटेंस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब हम फंक्शन के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं सेंटेंसेस को, तो ये होते हैं 5 टाइप्स के। एक टाइप होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये स्टेटमेंट्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है जब भी हम कुछ बताते हैं, स्टेट का मतलब कहना, कुछ बताना, ठीक है। कोई भी चीज जब हम बताते हैं, स्टेट करते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट होता है। अच्छा, ये दो टाइप के होते हैं वैसे। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव, जिनको हम पॉजिटिव भी कह देते हैं बोलचाल में, ठीक है, और एक होते हैं नेगेटिव। अक्सर बच्चे होते हैं वो नेगेटिव को भी सेंटेंस का टाइप मान लेते हैं। असल में ये सेंटेंस का टाइप नहीं, सब टाइप होता है। सेंटेंस का टाइप होता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब व्हेन वी स्टेट समथिंग, जब हम कुछ कहते हैं, बताते हैं, ठीक है, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस के टाइप दो होते हैं, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जो होता है इसको हम पॉजिटिव भी कह देते हैं। जैसे मैंने लिखा, दे
लिव हियर, तो हम ये एक स्टेटमेंट है, रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो असर्टिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव, पॉजिटिव है ना, इसलिए दे डोंट लिव हियर, ठीक है। ये भी हम किसी को बता रहे हैं, दे डोंट लिव हियर, स्टेटमेंट ये भी है, असर्टिव सेंटेंस ये भी है, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, जिसमें हम कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट कन्वे कर रहे होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी स्टेटमेंट को निगेट कर रहे होते हैं, मतलब किसी होने को अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हुआ है या है, तो वो असर्टिव सेंटेंस है लेकिन अफर्मेटिव है। अगर कुछ नहीं है या नहीं होने को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी असर्टिव सेंटेंस है लेकिन वो नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेज में हमें कोई ऐसा वर्ड यूज करना पड़ता है जो निगेशन शो करे, जिससे ये पता चल पाए कि ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इन जनरल ये काम नॉट करता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, नॉट ये काम करता है। हालांकि नॉट के अलावा बाकी भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करते हैं, कुछ डिटर्मिनर्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं, कुछ कंजंक्शंस हैं, कुछ प्रीपोजिशंस भी हैं, वो जब हम आगे पढ़ते रहेंगे तो सीखते जाएंगे। कुल मिलाकर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग अगर नेगेटिव है, हम नहीं होने को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज का होना रेफर कर रहे हैं, करना रेफर कर रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं होना रेफर कर रहे हैं, ठीक है, नहीं होने को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव सेंटेंस है, सारे ही असर्टिव होते हैं, ठीक है। एक तुम लोग मेरी बात सुन लो ना, ठीक है, बाद में मैं तुमसे पूछूंगा, बताना भी, लेकिन अभी तो मेरी बात सुन लो। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, दे लिव हियर, दे डोंट लिव हियर। अच्छा, सेकंड सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम किसी को कुछ बताते नहीं है, मतलब इंटरोगेट करते हैं, उल्टा पूछते हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ये होते हैं क्वेश्चंस, ये होते हैं क्वेश्चंस, हमने किसी से कुछ पूछा, ठीक है, तो वो सेंटेंस जो होता है जो हम पूछने के लिए यूज करते हैं, ना कि बताने के लिए, तो वो इंटरोगेटिव हो जाता है। बताने के लिए जो हम सेंटेंस, जिस सेंटेंस के थ्रू हम किसी को कुछ बता रहे हैं, वो असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम पूछ रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, मतलब इंटरोगेट कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, स्टेट कर रहे हैं तो वो स्टेटिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। हालांकि होते हैं इंटरोगेटिव भी दो टाइप के हैं, एक वो होते हैं जिनमें हम केवल यस या नो में रिप्लाई मांगना चाहते हैं, यस या नो आंसर टाइप, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम केवल यस या नो में रिप्लाई लेना चाहते हैं किसी पर्सन से, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे कि हैव यू गॉन देयर, ठीक है, या हैव यू मेट हिम, ऐसे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा यस नो आंसर टाइप का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी से डिटेल मांगते हैं, हम यस या नो में रिप्लाई नहीं मांगते, उसमें हमें डिटेल चाहिए होती है, ठीक है। तो जब हम किसी पर्सन से डिटेल इंट्रोगेट करते हैं किसी चीज को लेकर, तो डिटेल के लिए हमें वहां पे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना पड़ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो हम उनको अपने ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी से कुछ डिटेल मांगते हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाई हैव यू मेट हिम, व्हेन हैव यू मेट हिम, व्हाई हैव यू मेट हिम, कि भाई तुम क्यों मिले उससे, ठीक है। तो अब हम उससे डिटेल मांग रहे हैं, तो क्वेश्चंस दो टाइप के, एक वो जिनमें हम किसी से यस या नो में आंसर रिप्लाई मतलब मांगते हैं, उनके लिए हमें कोई क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम किसी पर्सन से कोई डिटेल मांगते हैं, ठीक है, तो हमें वहां पे क्वेश्चन वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए जैसे मैं बताता हूँ, क्वेश्चन वर्ड्स एक तो यही हो गए, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनका यूज किया जाता है डिटेल मांगने के लिए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड टाइप के सेंटेंस हो गए, थर्ड टाइप के सेंटेंस हो गए हमारे इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स, एडवाइस, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी ऐसी चीज को रेफर करते हैं दैट इज इंपेरेटिव, दैट इज नेसेसरी, और दैट इज टू डू समथिंग, दैट इज टू डू, दैट इज नेसेसरी, ठीक है, दैट इज क्रूशियल, तो उसके लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक तरीके से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होते हैं, और ये शो करते हैं कि जिस एक्शन को हम रेफर कर रहे हैं उस एक्शन के किए जाने की जरूरत है, दैट इज समथिंग इंपेरेटिव, ठीक है। ऑर्डर्स, एडवाइस, रिक्वेस्ट कहते हैं तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जैसे हमने किसी से कहा वर्क हार्ड, तो अगर मान लो हम किसी को ये बात एडवाइस कर रहे हैं, ये एडवाइस भी हो सकता है, या किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर हालांकि मोस्ट पब्लिक लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये मान लो अगर कोई अथॉरिटी पर्सन है किसी और से कह रहा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, अपने जूनियर से कह रहा है या किसी ऐसे से कह रहा है जो उसका सबॉर्डिनेट है, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। अच्छा, प्लीज काइंडली वगैरह जब लिख देते हैं तो वो रिक्वेस्ट हो जाता है,
प्लीज कम हियर, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। तो ये हो गया असर्टिव, ये हो गया इंटरोगेटिव, ये हो गया इंपेरेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद में आ गया फोर्थ टाइप, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, ये होते हैं सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको जब हम सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे असर्टिव होते हैं। फिर से देखो एक बार समझ लेना, जो स्टेटमेंट है हम किसी को कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं बता रहे हैं वो तो है असर्टिव सेंटेंस, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो है इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, क्योंकि जब भी हम ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करेंगे तो पर्सन हमेशा हमारा लिसनर ही होगा, तो उस यू को लिखने बोलने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड ही रहता है। लेकिन अगर हम ना किसी को कुछ बताएं, ना हम किसी से कुछ पूछें, ना हम किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करें, हम अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करें, सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करें, तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग्स जॉय की हो सकती हैं, सॉरो की हो सकती हैं, सरप्राइज की भी हो सकती हैं, ठीक है, वाओ, व्हाट अ नाइस शर्ट, ठीक है। तो हम ना किसी को कुछ बता रहे हैं, ना किसी को कुछ पूछ रहे हैं, एक मतलब हमारी फीलिंग है, किसी की बहुत अच्छी शर्ट देखी तो अप्रिशिएट करने से हम खुद को रोक नहीं पाए, तो वो हमारी फीलिंग का एक्सप्रेशन है, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब देखिए जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव और इंपेरेटिव, इन पे तो हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं सेंटेंस के एंड में। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनमें जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं, उनका भी यूज किया जाता है। जैसे जो वाओ हमने लिखा ना, वाओ, ठीक है, इसका अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, मतलब इसका कोई डिक्शनरी के हिसाब से कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। जैसे वर्ड का मतलब क्या होता है, नाइस का मतलब अच्छा होता है, शर्ट का मतलब शर्ट होता है, ठीक है, वाओ का कोई मीनिंग नहीं होता, ये केवल हमारी फीलिंग का रिप्रेजेंटेशन है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं ऑप्टेटिव। अब सोचने वाली बात है, अब क्या बच गया भाई, बता रहे हो असर्टिव, पूछ रहे हो इंटरोगेटिव, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट कर रहे हो इंपेरेटिव, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो एक्सक्लेमेटरी, अब क्या बचा, अब किस लिए सेंटेंसेस का यूज करोगे, ठीक है। तो अभी पता है क्या बच गया, अभी बच गई हमारी ब्लेसिंग्स, ग्रीटिंग्स, विशेस एटसेट्रा। ब्लेसिंग्स हैं, ग्रीटिंग्स हैं, विशेस हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है। मान लो हमने किसी से कहा यू आर वेलकम, अभी जो यू आर वेलकम हम इसको क्या कहें, ये स्टेटमेंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हम किसी को कुछ स्टेट कर रहे हैं, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट भी नहीं है, हमारी किसी फीलिंग का सडन एक्सप्रेशन भी नहीं है, ये ग्रीटिंग है। कोई पर्सन हमारे घर पे आया, मेहमान है आया, तो हमने उसको वेलकम किया, मतलब ये ग्रीट करना मतलब अभिवादन करना हो गया। हमने को किसी का गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी, तो गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी ग्रीटिंग है कि हमने किसी को ग्रीट किया, ठीक है। कोई पर्सन कहीं बाहर जा रहा है तो हमने उसको विश यू अ हैप्पी जर्नी, टेक केयर, ठीक है, फलाना ढिमकाना, ये जो चीज़ें होती हैं, टेक केयर तो खैर इसमें आ जाएगा। तो हमने किसी को कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें हम किसी को ब्लेस करते हैं, ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं वो ये फाइव हो गए, ठीक है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। लेकिन क्या बता रहा था मैं, कॉन्टैक्ट ऑनलाइन नंबर नहीं मांगो, मैं नंबर वो कर देता हूँ, क्या नाम जो कॉल करता है ना उसका ब्लॉक कर देता हूँ, दोबारा करने वाला, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांगो, मैसेज कर दिया करो वीडियो के बाद में, जैसे आपका रिकॉर्ड हो गया ना, कोई बताने वाली बात है, डिस्कस करने वाली बात होगी तो मैं आपका ले लूंगा। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ऊपर एक्सक्लेमेटरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये वैसे एक्सक्लेमेटरी लिखा हुआ है, ठीक है, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आर फीलिंग्स ये लिखा हुआ है, ठीक है, कट सा गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो, एक बच्चा है वो बार बार क्या कह रहा है, चलो ठीक।
एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तुम लोग लगातार कमेंट करने में लगे रहते हो, तो तुम सुन क्या रहे होते हो, मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे सुन रहे होते हो? चलो, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू फंक्शन कैटेगराइजेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक दूसरा तरीका जो इनको कैटेगराइज करना है वो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि हम सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो जो सेंटेंस हमने बनाया ना उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर वाली बात जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज, फ्रेज, ये सारे। ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। जब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कैटेगराइज करते हैं तो इनके टाइप देखो क्या होते हैं, एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। मैं एग्जांपल से यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, अपने डेफिनेशन को सुन लेना बाकी समझ लेना। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, जैसे कि मोहन हेल्प्ड मी, तो ये सब्जेक्ट हो गया मोहन और ये हेल्प्ड मी प्रेडिकेट हो गया, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, अच्छा, कुछ सिंपल सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट हो और कोई कंपाउंड प्रेडिकेट हो, जैसे हमने मोहन हेल्प्ड मी लिखा था, सिंपल सेंटेंस है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, मोहन हेल्प्ड मी एंड गेव माय ब्रदर सम मनी। अब जैसे हमने ये लिख दिया, मोहन हेल्प्ड मी एंड गेव माय ब्रदर सम मनी। अब देखो, ये मोहन हो गया सब्जेक्ट, हेल्प्ड मी हो गया प्रेडिकेट, ठीक है, गेव माय ब्रदर सम मनी ये भी हो गया प्रेडिकेट। अभी हमारे पास दो प्रेडिकेट हो गए, लेकिन दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है, तो हम इसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। पढ़ा था ना पिछली क्लास में कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट, तो ये सिंपल सेंटेंस ही कहा जाएगा, इसको भी हम सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे। ठीक है, फिर से यहां पे समझ लो, सब्जेक्ट हो गया मोहन, हेल्प मी हो गया प्रेडिकेट, सिंपल सेंटेंस। अगर मान लो हम इसी प्रेडिकेट के साथ में एक और कोई प्रेडिकेट लिख दें जिसका सब्जेक्ट ए कॉमन रहे, ठीक है, तो हम उसको भी सिंपल सेंटेंस ही कहेंगे, मोहन हेल्प मी एंड गेव मी माय ब्रदर सम मनी। ठीक, अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो कि हम लिख दें मोहन एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प मी, तो ये जो हमने लिखा ना मोहन एंड हिज फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हो गया मोहन, एक सब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स, दोनों सब्जेक्ट को हमने एंड से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट, और इन दोनों सब्जेक्ट का एक कॉमन प्रेडिकेट हो गया हेल्प्ड मी। ठीक है, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस ही है। अच्छा, अब मान लो इस कंपाउंड सब्जेक्ट को और इस कंपाउंड प्रेडिकेट को हम एक साथ यूज कर लें किसी सेंटेंस में, मोहन एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड मी एंड गेव माय ब्रदर सम मनी, तो भी वो सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को अगर एंड से कनेक्ट कर लें तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है, दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट को एक साथ में जोड़ दें तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक है, और वो रहेगा सिंपल सेंटेंस उस सिचुएशन में। ठीक है, जब तक कि हम उनको अलग अलग क्लॉजेस में ना ले जाएं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस हो गया जिसमें एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट हो गया, वो सब्जेक्ट कंपाउंड है या सिंपल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेडिकेट कंपाउंड है या सिंपल है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, फिर आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक मेन क्लॉज होती है, एक प्रेडिकेट क्लॉज होती है, एक मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जैसे कि सरल वेंट टू होम एंड वी स्टेड देयर। अब हमने ऐसे लिखा, तो यहां पे देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो सिंपल सेंटेंस हैं,
सरल वेंट टू होम, वी स्टेड हियर. लेकिन हमें पता है कि कंजंक्शन की मदद से इन दोनों सेंटेंस को हमने एक ही साथ लिख दिया और एक सिंगल फुल स्टॉप यूज किया. अब था क्या, यहां पर जब दो सब्जेक्ट एक साथ यूज हो रहे थे तो हम इसे कंपाउंड सब्जेक्ट कह रहे थे, दो प्रेडिकेट एक साथ यूज हो रहे थे तो हम उन्हें कंपाउंड प्रेडिकेट कह रहे थे, ऐसे था ना. अब दो सेंटेंस एक साथ यूज हो रहे हैं तो हम इसे कंपाउंड सेंटेंस कह देंगे. ठीक है, तो सरल वेंट टू होम एंड वी स्टेड देयर, तो हम इसे कहेंगे कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है, दो सेंटेंस हैं, दोनों को एक साथ में लिख दिया एंड से जोड़ के, ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट हो गए, वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया. तुम लोग क्या कर रहे हो वास्तव में, क्या कर रहे हो? देखो, एक पता नहीं ऑफिस जाने के बाद भी 4000 रुपये करवाने हैं आधे. सर अभी हम समझ रहे हैं, सर यू आर द नेक्स्ट फील्ड ऑफ इंडिया. ये जब कोई कहता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ाई बड़ाई कर देता है ना थोड़ी सी. अपने आप तो करते बनता नहीं है, लेकिन कोई कर देता है तो अच्छा लगता है. एडवर्ब की वीडियो क्लास डाल दो, हाँ का नहीं जरूर डाल देंगे. वेंट टू होम और वेंट होम, ये सब क्लियर हो जाएंगे आने वाली चीज़ों में, धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे. एक कोई कह रहा है कोई 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पार्टी दो. काहे की पार्टी, वे 50,000 सब्सक्राइबर तो इसमें बच्चों को पार्टी देनी चाहिए. मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ कि मैं पार्टी दूँ, हद है यार. चलो अभी नहीं कहूँगा, फिर कभी तुम्हें बताऊँगा. एक बात, टेस्ट सॉल्यूशन को बच्चा डाले, कल तक आ जाएगा बच्चा. टेस्ट सॉल्यूशन जो हमारा हुआ ना सैटरडे, उसको कल तक आ जाएगा. ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ. राम राम नरेश कुमार, सुन ली तुम्हारी, आ जाओ. तो फिर से देखो, एक समझा देते हैं. अगर हमने दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए तो कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, दो प्रेडिकेट एंड से जोड़ दिए तो कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया, दो सेंटेंस एंड से जोड़ दिए तो कंपाउंड हमारा सेंटेंस बन गया. ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया. कंपाउंड सेंटेंस में एक चीज ध्यान देना, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हालांकि ये डिस्कस भी कर लिया था कि जो क्लॉज हम बिना कंजंक्शन के लिखते हैं वो तो होती है मेन क्लॉज, जो क्लॉज हम कंजंक्शन के साथ लिखते हैं वो मेन क्लॉज नहीं होती, वो या तो होती है कोऑर्डिनेट या होती है सबऑर्डिनेट. ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करें तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है. तो ये जो फिलहाल में हमने लिखी है ना, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है. एंड होता है ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखो, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, अपना उसको देख सुन लेना, नहीं तो रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ कि जो फैन बॉयज होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं. फैन बॉयज का मतलब हो गया फॉर एंड नॉर बट और येट सो, फॉर एंड नॉर बट और, ठीक है, येट सो. तो इनके साथ लिखे गए जो कंजंक्शन क्लॉजेज होती हैं वो होती है हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये मेन क्लॉज हो गई और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया. ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको कॉमा के साथ लिखा करो. ठीक है, पंक्चुएशन का है, हालांकि हम कोई पंक्चुएशन की भी क्लासेस में रखेंगे. ये जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं ना, जरा एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह डिस्कस हो जाएंगे तो उसके बाद पंक्चुएशन की क्लास लाएंगे. ठीक है, लेकिन अभी से एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान देना. ये भी जो हमने लिखा ना एंड वी स्टेड हियर, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है. कोऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज को कॉमा के साथ में लिखा करो. ठीक है, एक चीज. दूसरी बात, कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के बाद में. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस तो हम मेन क्लॉज से पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हम स्ट्रेस किसे करना चाहते हैं. ठीक है, जिन्होंने भी आपकी क्लास लगाई सब तारीफ ही करते हैं. लोगों ने ड्रामा कर रखा है सर यूट्यूब, दे डोंट इवन नो इंग्लिश, सिर्फ यार तुम लोग इतनी बड़ाई नहीं करो, मैं झाड़ पटक जाऊंगा. मैं तुमसे बस चाहता हूं कि मैं जो अंदर से समझ चाहता हूं ना वो वैसे बन जाओ. ठीक है, अब बढ़िया पढ़ो, काबिल बनो. ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है, दुआ सलाम तो ऐसे ही है. तो खैर, क्या चला गया भाई, बात ही हो रही थी. तो ये हो गया हमारे कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है हमेशा कॉमा के साथ लिखना, और कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज को फॉलो करेगी, वो उससे पहले नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना. ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स कई बार कुछ क्वेश्चंस में बड़े काम आएंगे जब हम डिस्कस करते हैं वहां पे. ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से देखो क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिनमें मेन क्लॉज के साथ में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं, जैसे कि सरल वेंट टू होम व्हेन. अरे यार एक चीज ध्यान नहीं दी मैंने, हिज लिख लेना यहाँ पे, ये हिज लिखना मस्ट है, नहीं लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस. क्यों गलत होएगा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सरल वेंट टू हिज होम व्हेन द पार्टी वाज ओवर, व्हेन द पार्टी वाज ओवर. ठीक है, अब जैसे हमने ये लिखा सरल वेंट टू हिज होम व्हेन द पार्टी वाज ओवर, अब हमें पता है ये तो है हमारी मेन क्लॉज क्योंकि हम इसको लिख रहे हैं बिना कंजंक्शन के.
ठीक है, ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो इनके साथ लिखी गई जो क्लॉज होती है वो सबॉर्डिनेट होती है, तो ये हो गया हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, जहां पे सबॉर्डिनेट क्लॉज लिखी होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो फिर से देखो एक बार समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई क्लॉज नहीं होती, ठीक है, सिंपल सेंटेंस डोंट हैव एनी क्लॉज, दे कैन हैव कंपाउंड सब्जेक्ट कंपाउंड प्रेडिकेट बट दे डोंट हैव अ क्लॉज, ठीक है। मोहन सब्जेक्ट हो गया, हेल्प मी एंड गिव माय ब्रदर सम मनी कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया, तो इन दोनों प्रेडिकेट का कॉमन सब्जेक्ट है, कोई यहां पे क्लॉज वगैरह नहीं है, तो हम इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है। मोहन एंड हिज फ्रेंड्स एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, हेल्प मी उसका कॉमन प्रेडिकेट हो गया, तो हम इसे कहेंगे कंपाउंड सिंपल सेंटेंस। अगर हम लिख दें मोहन एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प मी एंड गिव माय ब्रदर सम मनी, तो भी वो सिंपल सेंटेंस, क्योंकि क्लॉज वहां पर भी कोई नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, ठीक है। अब चूंकि ये दो अलग अलग क्लॉजेस हैं, तो हम इसे सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते, हम इसे कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। जिस तरीके से हम एंड से दो प्रेडिकेट जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट बन जाता है, दो सब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है, उसी तरीके से हम एंड से दो सब्जेक्ट सेंटेंस जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं एंड से लिखोगे, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बाकी कंजंक्शन भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करोगे तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ बने सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। मेन क्लॉज के साथ में अगर हम सबॉर्डिनेट क्लॉज लिख दें तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉज में जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो सबॉर्डिनेट होता है। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड सारे सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, बाकी फैन वर्ड को छोड़कर जितने भी कंजंक्शन होते हैं वो सारे सबॉर्डिनेट होते हैं, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, जो भी पिछला वीडियो है उसमें बात डिस्कस कर रखी, ठीक है। आगे आ जाओ, ये सोनोपाल क्वेश्चन गलत है, पता नहीं क्या। अब ये मेन क्लॉज हो गया, सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, मेन क्लॉज को अगर हम चाहें तो सबॉर्डिनेट क्लॉज के बाद भी लिख सकते हैं, मान लो इस सेंटेंस को अगर हम लिखना चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन द पार्टी वॉज ओवर सरल वेंट टू हिज होम, अगर हम ऐसे लिख दें। अब देखो होता क्या है, अगर हम सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखेंगे, अगर हम सबॉर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखेंगे तो जो मेन क्लॉज होती है उसके लिए एक सेपरेटर यूज करेंगे कॉमा, ये जैसे कॉमा यूज किया ना यहां पे ये, तो अगर हम सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले लिखेंगे मेन क्लॉज बाद में लिखेंगे तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाएगा सेपरेटर, लेकिन अगर हम मेन क्लॉज पहले लिखेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज बाद में लिखेंगे तो हमें कोई कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में हमेशा कॉमा यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी यूज करेंगे कोऑर्डिनेट और कॉमा भी यूज करेंगे, ठीक है। होता क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट एक्शन होते हैं तो उनको सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह होती है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी मेन क्लॉज से पहले नहीं आएगी, सबॉर्डिनेट क्लॉज तो पहले आ जाएगी लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज बाद में ही लिखी जाएगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है थोड़ी सी आवाज वगैरह की यहाँ पे कुछ दिक्कत होने वाली है, तो इसीलिए मैं अपने माइक में बैटरी चेंज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, मुझे रेड सिग्नल वहाँ दिख रहा है, ठीक है। और कहाँ गई बैटरी देखता हूँ, आवाज आ रही है तुम लोगों को एक बार कमेंट करके बताना, तो हालांकि मुझे रेड सिग्नल दिख रहा है यहाँ से तो आनी नहीं चाहिए इस समय सही फिलहाल में, लेकिन अगर आ रही है तो कमेंट करो, तब तक मैं चेंज करता हूँ बैटरी। अब सही आवाज आएगी, असल मैंने इसका इंडिकेटर लगा हुआ है कैमरे पे तो वहां पे कलर हो जाता है रेड, तो पता चल जाता है कि बैटरी वीक है, चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। और जब ग्रीन होता है फुल तो उससे पता चलता रहता है कि बैटरी में भी पावर है, भी काम चल रहा है, ठीक है। अब चेंज कर दिए, कोई इशू नहीं है। खैर, तो ये जो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं इनका अपना ध्यान रखना, ये टाइप ऑफ कंजंक्शन हो गया। अब मान लो हमको एक ऐसा सेंटेंस लिख दें जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सबॉर्डिनेट क्लॉज भी हो, मेन क्लॉज तो खैर हमेशा ही होगी क्योंकि मेन क्लॉज के बगैर तो सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है। हरि ओम।
जैसे एक सेंटेंस अगर हम लिख दें, दे went to the city and worked there before their friends got involved in that trouble. अब जैसे हमने लिखा, they went to the city and worked there before their friends got involved in that trouble. ठीक है, और वहां काम करते रहे जब तक कि उनका दोस्त उस मुसीबत में नहीं फंस गया उससे पहले. अब जैसे ये सेंटेंस है, अब हम देख रहे हैं इसमें मेन क्लॉज हो गई. ठीक है, ये एंड वर्क्ड देयर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई. बिफोर देयर फ्रेंड्स या फ्रेंड गॉट इनटू दैट ट्रबल, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई. ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया. एक मैं फिलहाल मैं और लिखना चाहूंगा, एक सेंटेंस हम यहां पर और लिख ही लेते हैं जिससे चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएं. कमल विल हेल्प यू व्हेन यू विल मीट when you meet him or he understands your problem. अब जैसे हमने ये लिख दिया, कमल विल हेल्प यू वेन यू मीट हिम और ही अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, कि वो तुम्हारी मदद कर देगा जब या तो तुम उसको मिलोगे या वो समझ जाएगा तुम्हारी समस्या क्या है. ठीक है, या तो वो समझ जाएगा तब करेगा या फिर तुम उससे मिलोगे तब करेगा, मतलब उन दोनों हालत में कर देगा. अब देखो, मोहन विल हेल्प यू, कमल विल हेल्प यू, जो भी, ये हो गई हमारी मेन क्लॉज. ठीक है, वेन यू मीट हिम, ठीक है, ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज. और ही अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को हम क्या कहें, शाहिद फारूक कह रहे हैं आई एम पाकिस्तानी बट लाइक योर वीडियो ऑन यूट्यूब, थैंक्स अ लॉट. थैंक्स शाहिद, बहुत ज्यादा थैंक्स. देखिए पता क्या, एक मिनट में इधर उधर तुम लोगों को ले जाऊंगा. ये जो नॉलेज है ना, ये वास्तव में गजब चीज है और ये बहुत सी बीमारियों का इलाज है. ठीक है, तो जो लोग वास्तव में नॉलेज की कदर करते हैं, जो नॉलेज को समझते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, उनकी जो नैरो माइंडेडनेस होती है ना, वो खत्म हो जाती है, वो आगे बढ़ते हैं. जो आदमी एक्चुअल नॉलेज की वैल्यू नहीं समझते, केवल इंफॉर्मेशन के साथ में डील कर रहे होते हैं, वो नैरो माइंडेड होते हैं. ठीक है, आप अप्रिशिएट करते हो मुझे, बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत ज़्यादा थैंक्स. ठीक है, और मैं भी बहुत इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं. ठीक है, बढ़िया बात. अब देखो, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं ना, इसको हम क्या कहेंगे, मैं समझाता हूं. वैसे तो इनके लिए एक नाम होता है, सिम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, हम इन्हें कुछ भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है, या हम इन्हें कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, या हम इन्हें कहते हैं मिक्स्ड. मतलब ये काम चलाउ टर्म है जो हम इनके लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखो मैं बताता हूं तुम्हें होता क्या. मैं अगर कहूंगा तो मैं कहूंगा कि बेसिक सेंटेंस के टाइप तीन ही होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब हम उसको अपने टरकाने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मिक्स कहते हैं, जो चाहे कह लें और बच लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है. देखो एक्चुअल में तुम देखोगे ना, जो वेन यू मीट हिम लिखा है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ही अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम लिखा है, ये भी वही है. ये जो वेन है ना, कंजंक्शन एक्चुअल में,
ये इन दोनों के लिए ही यूजर है, ठीक है। और यहां पे जो हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, यू मेट हिम, ही अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो ये दोनों हमारे सिंपल टाइप के सेंटेंस है जिनको हमने और से जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर हम ये केवल इतना लिखें, यू मीट हिम और ही अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमने वेन भी लिख रखा है, जब वेन लिख रखा है तो कॉमा हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इसी का पार्ट है। तो ये जो पूरी है ना, हम इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज मान सकते हैं और हम इसे कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कमल विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम और ही अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। एक्चुअल में पता क्या, ये जो हमने पूरा लिखा है ना, व्हेन यू मीट हिम और ही अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, ये हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। वो अलग बात है कि इसमें दो टाइम है, एक है यू मीट हिम और ही अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, या तो ये टाइम या वो टाइम, मतलब इनमें से जब कोई एक टाइम आ जाएगा तो ये काम हो जाएगा। तो ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है, पूरी कंपाउंड एडवर्ब क्लॉज कहेंगे इसे, ठीक है। तो मतलब कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो दो टाइम है एक साथ में, ठीक है, दो स्टेटमेंट है। और ये एडवर्ब क्लॉज है, चूंकि एडवर्ब क्लॉज है तो इसको हम इन्वॉल्व मानेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन क्लॉजेज जो होती हैं वो सारी सबॉर्डिनेट क्लॉजेज ही होती हैं, ठीक है। तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये मेन क्लॉज हो गई, और हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, इसमें देखो कहानी क्या है, दे वेंट टू द सिटी, ये मेन क्लॉज हो गई, एंड वर्कड देयर, ठीक है, ये एंड वर्कड देयर हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है, एंड कंजंक्शन लिखा ना, सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। वो अलग एक्शन है, ये अलग एक्शन है, लेकिन ये जो हमने वर्क देयर वर्ब लिखी ना, इसमें जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इस कोऑर्डिनेट क्लॉज में हमने क्या किया, वर्क वर्ब के लिए एक एडवर्ब क्लॉज लिखी, बिफोर देयर फ्रेंड गॉट इन्वॉल्व इन दैट ट्रबल। ये जो हमने लिखी ना, फ्रेंड गॉट इन्वॉल्व इन दैट ट्रबल, बिफोर देयर फ्रेंड गॉट इन्वॉल्व इन ट्रबल, ठीक है। ये जो क्लॉज है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन इस वर्ग के है सबॉर्डिनेट क्लॉज, मतलब ये जो हमने बिफोर देयर फ्रेंड गॉट इन्वॉल्व इन दैट ट्रबल लिखा है, ये भी हमारी एडवर्ब क्लॉज है। लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज जो है ना, वेन को रिप्लाई कर रही है, ये एडवर्ब क्लॉज इस मेन वर्ब के सेंटेंस की नहीं है, मतलब ये जो मेन क्लॉज है ना, इसकी वर्ब की नहीं है, ये एडवर्ब क्लॉज हमारे जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें यूज की गई वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। तो हम ये मानेंगे कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ही है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इस कोऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब यूज है, वर्ब उसके लिए हमने एक एडवर्ब यूज कर रखा है, वो अलग बात है कि वो एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। तो हम इसे कह देंगे, इसको हम कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो ये कंपाउंड हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब चूंकि हम इतनी बातें डिटेल में डिस्कस करना नहीं चाहते, इतना सर लड़ाना नहीं चाहते, तो हमने सीधे कह दिया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या मिक्स है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सेंटेंस के बेसिक टाइप दो ही, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ मतलब फंडामेंटल्स काम करेगा ना, जब इन पे, जब कभी हम इन्हें कंपटीशन के एग्जाम्स में सीखेंगे या डिस्कस करेंगे, तो वहां पे जो एप्लीकेशन काम करेंगे ना, वो उसी तरीके से करेंगे, मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के हिसाब से कुछ होता नहीं है। तो ये सेंटेंस के टाइप हो गए, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है कि हमने सेंटेंस में कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज लिखी, ठीक है, और उसी सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ में हमने कोई एक कोऑर्डिनेट क्लॉज लिख दी, तो उसको सबॉर्डिनेट क्लॉज ही मानो, वो पूरी की पूरी सबॉर्डिनेट क्लॉज ही है, ठीक है। या फिर हमने कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखी और उसके साथ में कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज लिख दी, तो उसको भी कोऑर्डिनेट क्लॉज ही मानो, तो ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो होता पता क्या, मान लो ये जो हमने लिखा है बिफोर देयर फ्रेंड गॉट इन्वॉल्व इन दैट ट्रबल, ठीक है, इसको हम हटा दें पूरे को, और इसकी जैसे लिख दें एंड वर्कड देयर, ठीक है, टिल 2015। मान लो 2015 वो टाइम था जब उनका फ्रेंड मुसीबत में फंस गया, ठीक है, तो हम टिल 2015 लिख दें, तो वो देखो एडवर्ब क्लॉज थी, उसकी जगह हमने एडवर्ब फ्रेज लिख दी टिल 2015, और ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई कि नहीं हो गई, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। या जैसे हमने लिखा कमल विल हेल्प यू व्हेन यू मीट हिम, जब तुम उसको मिलोगे, और ही अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मान लो हम इसको ना भी लिखें और ही अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, तब भी ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और ये हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बेसिकली बात यह है कि जो मिक्स्ड सेंटेंस हम कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं और कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, वो तीन ही टाइप होते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड कह के अपने को बचा लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो खैर, यहां तक हम आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस किया। असल में होता है ना कि हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ रखी होती हैं जो किताबों में लिखी होती हैं, लेकिन जो हम कर रहे होते हैं ना, हम इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज नहीं होते कि हम ये जान पाए कि जो हम मान रहे हो, जो हम कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर है।
जब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाती है और जब चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाती हैं, तब हमें पता चल जाता है कि बहुत सी चीजें हमने मान रखी है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन वो सच नहीं है। वो हमने मान रखी किसी भी वजह से, मतलब किसी वजह से मान रखी, किसी सुविधा की वजह से हमने मान रखा है, लेकिन वो ट्रुथ नहीं है। ठीक है, ट्रुथ इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तब पता चलेगा वो प्रूव करनी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो खैर यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं ना, ये तो बात थी सेंटेंसेस की। अगर हम वर्ड्स को कैटेगराइज करें तो वर्ड्स को भी हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब बेसिक दो एट्रीब्यूट्स होते हैं वर्ब्स के। एक तो होता है वर्ब के रोल्स इन सेंटेंसेस, वर्ड्स का एक तो कैटेगराइजेशन होता है उनके रोल्स के, कि सेंटेंस में उनका रोल्स क्या होते हैं, मतलब उनको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में। ठीक है, रोल्स के अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंसेस को, मतलब रोल्स के अकॉर्डिंग जब हम वर्ड्स को सेंटेंस में कैटेगराइज करते हैं तो हम उन्हें देखो क्या क्या कहते हैं, हम उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ग्रुप्स जब उनके बन जाते हैं तो हम उन्हें फ्रेज कह देते हैं या क्लॉज कह देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स का रोल हो गया कि सेंटेंस में उनका रोल क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ये नेम्स ऑफ रोल्स हो गए, रोल्स ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स का रोल क्या होता है सेंटेंस में। लेकिन क्लासेस ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, भाई किसी भी वर्ड को क्या रोल मिलेगा ये कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, क्या ऐसा होगा कि हर एक वर्ड को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट बना लेंगे, हर एक वर्ड को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, हर एक वर्ड को फ्रेज बनाने में यूज कर लेंगे, क्लॉज बनाने में यूज कर, ऐसा नहीं है ना। जो उनको रोल्स असाइन किए जाते हैं वो उनके टाइप के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास, क्लास का मतलब टाइप मानना यहाँ पे, क्लास का मतलब कक्षा नहीं। ठीक है, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए जाते हैं। तो जो वर्ड्स जितने भी होते हैं उनका जो क्लास कैटेगराइजेशन है उन्हें हम कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। ठीक है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स, पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हो गए क्लासेस ऑफ वर्ड्स, क्लासेस ऑफ वर्ड्स, और ये हो गए रोल्स ऑफ वर्ड्स। कि वर्ड्स क्या रोल प्ले करते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फ्रेज, क्लॉज, ये सब वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ड्स की क्लासेस क्या होती हैं, वर्ड्स की क्लासेस होती हैं नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर्स और पार्टिकल्स। ठीक है, ध्यान देना ये वर्ड नहीं है, ये उनकी क्लास है। ठीक है, जो हम नाउन कह रहे हैं, नाउन हम किसी वर्ड को नहीं उसकी क्लास को कह रहे हैं, एक क्लास है। ठीक है, जो भी वर्ड उस क्लास से रिलेटेड होते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ नॉट एनी इंडिविजुअल वर्ड, Noun is the name of class, category, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो एक category का नाम हो गया। Actual में जो भी English में हम सीखते हैं, जो भी भाषा हम सीखते हैं, जितना कुछ भी सीखते हैं वो सब यही होता है, classes of words के ही users होते हैं। देखो होता पता क्या, ये जो classes of words हैं इनके अपने अपने attributes हैं, attributes का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके अपने special features हैं। ठीक है, इनके अपने defined uses हैं, इनके आपस के relations हैं और इनके आपस के डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो ये जो क्लासेस ऑफ वर्ड्स हैं इनके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, कि इनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, फीचर्स का मतलब इनके सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्म्स होती हैं, इनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं। ठीक है, इनकी ये सारी चीजें होती हैं, नंबर है, जेंडर है, केस है, पर्सन है, बहुत एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी क्लास में कोई होते हैं, किसी क्लास में कोई होता है। मान लो कोई पर्टिकुलर फीचर है वो नाउन्स में है तो प्रोनाउन्स में नहीं, कुछ ऐसे हैं जो एडजेक्टिव्स में है तो नाउन प्रोनाउन में नहीं, कुछ ऐसे हैं जो वर्ब में है और वो फीचर नाउन प्रोनाउन में नहीं है। ठीक है, तो वो इनके अपने अलग अलग फीचर होते हैं वर्ड्स, क्लासेज ऑफ वर्ड्स के। ठीक है, इनके यूजर्स होते हैं, यूजर्स का मतलब ये कि कौन सा क्लास का वर्ड क्या काम सेंटेंस में करेगा। ठीक है, मान लो कोई वर्ड जो है वो एडवर्ब क्लास का है तो उसके क्या यूजेस होंगे। ठीक है, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, उनकी क्या पोजीशंस हो सकती हैं, उनकी क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, तो उसके फीचर हैं, उसके यूजेस हैं। फिर इनका आपस के रिलेशंस, कि कौन सा वर्ड किससे कैसे रिलेट किया जाता है, कौन सा वर्ड किसके साथ यूज हो सकता है, किसके साथ नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, उनके आपस के डिफरेंसेस,
असल में भाषा सीखने का मतलब यही सीखना होता है, भाषा सीखने का। हम कुछ भी कहें, हम कहें कि हम नाउन सीख रहे हैं, प्रोनाउन सीख रहे हैं, टेंस सीख रहे हैं, वॉइस सीख रहे हैं, नरेशन सीख रहे हैं, हम कुछ भी सीख रहे हैं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, एक्चुअल में हम कुछ नहीं, हम बस इन्हीं के यूजर्स सीख रहे होते हैं। हमें जो क्लासेज ऑफ वर्ड्स हैं इनके फीचर्स सीखते रहते हैं, इनके यूजर्स सीखते रहते हैं, इनके आपस के रिलेशंस ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये सीखते रहते हैं, और उनके आपस के डिफरेंसेस सीखते रहते हैं। तो यही हम सीखते रहते हैं। तो अब आज तो खैर 10:15 हो गया मुझे लग रहा है, तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में यहां से आगे बढ़ाएंगे। मतलब यहां तक तो हम आ ही गए, ठीक है, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज वगैरह सब आ गए ना। अब हम क्या करेंगे, वो क्लासेस ऑफ वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, कि इनके क्या अलग अलग फीचर्स होते हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं, ठीक है, इनके क्या रिलेशंस होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब इनके एट्रीब्यूट्स, क्लासेस ऑफ वर्ड्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वन बाय वन एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब फंडामेंटल्स के जो भी होंगे, ठीक है। तो अभी तक की कहानी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, जो भी हमने सीखा आज की क्लास ओवर हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल आपका लगा दूंगा मैं भी, ठीक है, और तो आप उससे जान जाओगे नेक्स्ट क्लास कब है। तो जो भी अगली नेक्स्ट क्लास होगी ना, अब उसमें हम इससे आगे बढ़ाएंगे, मतलब हम क्लासेज ऑफ वर्ड्स पे आ चुके हैं, अब इनके आगे चलेंगे, इनके डिफरेंट टाइप्स, सब टाइप्स, फीचर्स, यूसेज, रिलेशंस, डिफरेंसेस, फलाना ढिमकाना, वो सारा सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं मार्कर रखता हूँ, 5 मिनट तुम लोगों के साथ देता हूँ, देखता हूँ तुम लोग क्या लिख रहे हो, ठीक है, और फिर उसको रिप्लाई करते हैं, और फिर स्वीट ड्रीम्स करते हैं। हैड वर्क देयर बिफोर आएगा, क्यों क्यों आएगा भाई, नहीं हैड आना जरूरी नहीं है। ICSE-CBSE बोर्ड के 6-8 क्लास की प्राइवेट पब्लिकेशन का नाम बता दीजिए सर। प्राइवेट पब्लिकेशन देखो मुझे कैसे बता देता हूँ, जो मैं जानता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा इतनी तेज कमेंट कर रहे हो। देखो रत्ना सागर, सुल्तान चंद, प्राची, होली फेथ, ब्लू हाउस, कॉर्डोवा, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, ठीक है, सृजन एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, सृजन, ठीक है, प्राची शायद अगर नाम ना लिया हो तो प्राची है। तो ऐसे कुछ पब्लिकेशंस हैं जो कि बुक्स मतलब 7th-8th की लिखते हैं, आप उनमें से किसी की भी ले लो, बस CBSE जो मतलब NCERT की बुक्स होती है ना वो मत लेना, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग छपा लेते हैं वो मत लेना, ना उनके पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है, ना उनके कंटेंट की अच्छी क्वालिटी होती है, ना ही कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन बेहतर होता है, ठीक है। प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए ना थोड़ी महंगी आती है, लेकिन कम से कम उनसे वो काम तो हो जाता है जिसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पैसा बचा के, अगर काम ही ना हो पाए तो पैसा बचा के फिर हमने क्या कर लिया। तो प्राइवेट पब्लिकेशन की लेना, बुक्स महंगी होती हैं लेकिन उनका कंटेंट, उनके एक्सरसाइजेस, उनका कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका बेहतर होता है। रेनन मार्टिन हाई स्कूल, रेनन मार्टिन नहीं, मैं नहीं कहता, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो रेनन मार्टिन बुक इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें जो कंटेंट दिया पढ़ने के लिए वो अधूरा है। एक्सरसाइजेस बहुत सुपर हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस के आंसर्स देते हैं 250-300 रुपए की बुक बेचते हैं, मान लो हम ले भी लें 250-300 रुपए, बड़ी चीज नहीं है अगर हम सफल हो जाएं उसमें। लेकिन अब एक दूसरी चीज है, ये है कि हमने 250-300 रुपए में ले लिया, उसमें केवल आंसर छपे, अब हमें एक्सरसाइज पता है, उसका आंसर पता है, मतलब क्वेश्चन पता, आंसर पता, लेकिन वो आंसर क्यों, बाकी क्यों नहीं, तो हमें पता ही नहीं, तो ऐसी बुक का क्या करें। एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है। फीस क्या होगी सर एलीट की, देखिए आप फीस इसके चक्कर में मत पड़ो, पहली बात तो ये एलीट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो वो देखने वाली बात है, ठीक है, वो मैं स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ में उसमें एडमिशंस लूंगा, मैं फीस के चक्कर में, उससे मुझे फीस नहीं कमानी, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कमाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं फ्री पढ़ाऊंगा, फीस जरूर लूंगा, ठीक है, और रीजनेबल लूंगा, लेकिन केवल फीस की वजह से कोई उसमें नहीं पढ़ पाएगा, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और मतलब स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, मैं वो सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी आत्मा की तसल्ली के लिए वो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे के लिए वो कमाई के लिए केवल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको बता दीजिएगा, मैं भी उसको लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं भी अच्छे दिमाग के लोगों के साथ में, ओपन माइंड के लोगों के साथ में डायलॉग करना चाहता हूँ, खुला डिस्कशन करना चाहता हूँ, कि वो मुझे सीखने का मौका दें, मैं उन्हें सीखने का मौका दूंगा, ठीक है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर से, और मोस्ट प्रोबेबली हम शायद ASEC Elite का कोई ना कोई क्लास, वीकेंड क्लास अनाउंस कर देंगे जनवरी के लास्ट वीकेंड में शायद हम रखें, ठीक है। चलें, प्लीज सजेस्ट मी समथिंग, आई डू लॉट्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। ध्यान दो यार, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बेवकूफी की वजह से होती है, केयरलेसनेस छोड़ो, थोड़ा ध्यान दो, अपने को फोकस बढ़ाओ। इवन दो, ऑल दो, एंड दो एंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ रेलिवेंट बुक्स भी बताओ जिससे कि द टीचर्स को ऑथेंटिक। देखो एक चीज बताता हूँ, एक बार क्या था कि कुछ बच्चे थे, सोनीपत के बच्चे थे, ठीक है, वो मेरे बहुत हाथ धो के पीछे पड़ गए, उनको लगा कि मैं उनको कोई ऐसी बुक बता दूं जहां से मैं पढ़ता हूं, उनको लगा कि कोई बुक है
जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, और सर को, सर के पास ये बुक है और ये हमें बताते नहीं, ठीक है। मैं वास्तव में कोई बुक, कोई वेबसाइट कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि मैंने 9th से 12th का यूपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया, 2 साल, 1 साल पढ़ाया सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। जो आम किताबें जिन पब्लिकेशंस की वहां पे चलती हैं वही मैंने भी पढ़ी पढ़ाई, ठीक है। और ये क्लैरिटी वहीं से है। एक्चुअल में जब आप टीचिंग करते हो तो अगर उसके बाद आप बुक्स पर डिपेंड करते हो, मैं अभी हाल की बात बताता हूँ। ये जो हमने फ्री का बैच स्टार्ट, ये मतलब जो हमने स्टार्ट किया ना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इसको मैंने बैच में अनाउंस किया, तो एक बच्चे ने कहा कि सर हम ना ये वीडियो डाउनलोड कर लेंगे यूट्यूब के। मैंने कहा वो तो खैर यूट्यूब पे है, आप देखो चाहे डाउनलोड करो चाहे जो चाहे करो, ठीक है, उससे क्या लेना है। लेकिन मैंने कहा क्यों कर लोगे, क्यों अपनी स्टोरेज फुल कर लोगे लैपटॉप की, ठीक है। तो उसने कहा कि टीचर्स बाद में ना अपने डिलीट मार देते हैं। मैं डिलीट विलीट नहीं मारता, मैं जिंदगी भर पढ़ा सकता हूँ बिना नोट्स के, बिना बुक के, बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। मुझे अपना फोन भी बार बार हाथ में नहीं निकालना पड़ता, मुझे किसी असाइनमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ती, और मैं कंटिन्यूअसली घंटों पढ़ा सकता हूँ बिना किसी मदद के, ठीक है। तो एक चीज तो ये, तो मुझे डिलीट करने की कोई गरज ही नहीं, क्योंकि मैं तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज ये कभी खत्म नहीं होने जा रहा, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तक चीजें चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, शार्प होती रहेंगी, ठीक। एक चीज ये, दूसरी बात ये कि जब हम टीचिंग करते हैं ना तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अब अंदर देखें जो नॉलेज होती है ना, आप मानो या नहीं मानो, ये बात कब समझ में आएगी, मुझे तो आ चुकी है, तुम्हें कब आएगी तुम अपना देखना। नॉलेज जो है ना, इसका सोर्स कहीं बाहर नहीं है, इसका सोर्स हमारे अंदर है। वी आर दी सोर्स, हम ही सोर्स हैं वो, जहां से चीजें फूटती हैं, जहां से चीजें निकलती हैं, बाहर कुछ नहीं है। और अगर कोई बाहर सोर्स है तो फिर हम बेकार आदमी हैं, फिर हमारी कोई वैल्यू भी नहीं है, हम बेकार के आदमी हैं, बोझ हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अपनी क्लैरिटी को इतना अच्छा करो कि हमें चीजें बाहर ना ढूंढनी पड़े, वो अंदर से। देखिए फंडामेंटल सेम है, सबको पता है, ठीक है। वो आप किसी भी बुक से पढ़ लो, किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ लो, किसी भी राइटर से पढ़ लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन उनको देखने का जो नजरिया है ना, जिससे चमक आएगी, जिससे शार्पनिंग होगी, वो अपना खुद का होता है, वो कहीं बुक में या किसी वेबसाइट पे, यूट्यूब के चैनल पे नहीं होता, ठीक है। कमेंट थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। तो अगर अब होता क्या ना, आपकी तरह बनना है सर, कोई सजेशन? मेरी तरह क्यों बनना है, मेरे से बेहतर बने, मेरे से खराब बन, मेरे जैसे क्यों बनना है, ठीक है। मैं किसी की जैसा नहीं बना, तुम मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो? तो पता क्या होता है, जब हम टीचिंग करते हैं तो हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हमें सपोर्ट मटेरियल की जरूरत ना पड़े। सपोर्ट मटेरियल का मतलब समझना, हमें किसी कोचिंग की जरूरत ना पड़े, हमें किसी वेबसाइट की जरूरत ना पड़े, हमें पढ़ाते टाइम असाइनमेंट की जरूरत ना पड़े, हमें पढ़ाते टाइम मोबाइल देखने की बार बार जरूरत ना पड़े, हमें पढ़ाते टाइम लैपटॉप खोल के रखने की जरूरत ना पड़े। तब तो सही मायनों में हम टीचर हैं और हम डिजर्व करते हैं टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए। अब हम वीडियोस लिए घूम रहे हैं, हम बुक्स लिए जेब में घूम रहे हैं, ठीक है, हम मोबाइल लिए घूम रहे हैं, तो हम कहाँ हैं भैया? हमारी सारी नॉलेज तो बुक्स हैं, हमारी सारी नॉलेज तो वेबसाइट है, हमारी सारी नॉलेज तो यूट्यूब चैनल है, हमारी सारी नॉलेज तो मोबाइल फोन है, अगर मोबाइल फोन ना हो तो हमारे से पढ़ाया ना जाए, तो ये तो नहीं है। तो हमें धीरे धीरे इस पर काम करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो क्लैरिटी आती है ना, ये आती है इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन से मतलब जो आप खाली टाइम में बैठते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, जनरली हमने देखा कि जो टीचिंग में इन्वॉल्व लोग होते हैं या जो लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनको वाद विवाद का बड़ा मजा होता है। मतलब किसी के साथ बैठेंगे, खूब तर्क करेंगे, खूब कुतर्क करेंगे, ठीक है, तर्क वितर्क कुतर्क जो भी हो सकता है वो सब करते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं या जो मुझसे कंटिन्यूसली टच में रहते हैं, वो जानते हैं मेरे बारे में कि मैं बड़ा रिजर्व टाइप का नेचर हूँ, नेचर का पर्सन हूँ, मैं अकेले बैठता हूँ, किसी के साथ उठता नहीं, किसी के साथ बोलता नहीं। मैं क्लास में जिन बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ उनसे जो चाहे मौज ले लूँ, ठीक है। उसमें से ज़्यादातर बच्चे माइंड भी नहीं करते, एक दो जो माइंड करते होंगे मैं उनका ध्यान भी नहीं देता, वो अपना जो चाहे करें जाके, ठीक है। वो एक दो होते हैं, उनको कोई भगवान भी नहीं समझा सकता, क्योंकि उनका डीएनए उसने ऐसा बना के भेजा है, ठीक है, तो उनको तो बर्दाश्त ही करना पड़ता है, वो मुझे मैं उन्हें ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बच्चों के साथ ही जो भी होते हैं मौज लेता हूँ, मैं उन्हीं का मजाक बनाता हूँ, उन्हीं को डांटता हूँ, उन्हीं को धमकाता हूँ, उन्हीं को पढ़ाता हूँ, उन्हीं के साथ हंसता हंसाता हूँ। इसके अलावा फिर मैं कुछ नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई पार्टी, ना कहीं घूमना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। 4 दिन की छुट्टी होगी तो पता लगा मेरे 4 के 4 दिन घर पे निकल गए, मैं बाहर तक नहीं गया बिल्डिंग से अपनी। ऐसा ऐसा भी कई बार हो जाता है कि पूरा दिन मैं घर पे ही रहा, ठीक है, मूवी देखूंगा, किताबें पढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा किताबें भी कौन सी, इंग्लिश विंग्लिश की मैं नहीं पढ़ता, मुझे फिक्शन पसंद है, साइंस फिक्शन पढ़ता हूँ, साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, साइकोलॉजी पे बेस्ड बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या नाम, वो कहते हैं फिजिक्स, फिजिक्स के बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। अपनी नॉलेज को, दिमाग को चैन मिल जाता है। होता है कि ना इंग्लिश में डील करता हूँ थोड़ी ट्रिकी है, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी है, दिमाग थका देती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि अब हम जाके किसी और चीज़ में दिमाग लगाएं। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा ना, तो वो खाली टाइम में जब घर पहुंचते हैं तो न्यूज़ चैनल देखते हैं,
क्योंकि उनको लगता है मूवी देखना बचकानी चीज है, कार्टून टीवी देखना बचकानी चीज है, और उनको लगता है 30-35-40 साल के हो जाने के बाद में हमें कार्टून चैनल या टीवी पे मूवीज वगैरह नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा होने का अनुभव करने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमारी उम्र ऐसी हो गई कि अब हमें ये चीजें बचकानी लगेंगी। मैं बच्चा ही हूँ, ठीक है, मैं कार्टून चैनल देखूंगा, पोगो है, ठीक है, मेरा बेटा देखता है, ठीक है, वो देखता है, वो क्या नाम, शिवा और मोटू पतलू, और मोटू पतलू हो गया, शिवा हो गया, छोटा राजू हो गया, छोटा भीम हो गया, ठीक है, ये सारे देखता था, मैं भी उसका बेटा बेटा देखता रहता हूँ, ठीक है। जब उसका मूड नहीं होता या जब मुझे अपनी चलानी होती है, उससे रिमोट ले लेता हूँ, अपनी साउथ इंडियन या हॉलीवुड मूवी लगा देता हूँ, मैं वो देखता हूँ, मैं कभी न्यूज़ चैनल नहीं देखता, ठीक है। होता क्या है कि न्यूज़ चैनल्स हमारी कंडीशनिंग करते हैं, वो हमें वो नहीं दिखाते जो है, हम वो देख लेते हैं जो वो दिखा रहे होते हैं, मतलब जो हम न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं। तो एक्चुअल में मेरा अपना मानना ये हो सकता है मैं गलत रहूं, लेकिन मैं मानता हमेशा यही हूं, ठीक है, कि न्यूज़ चैनल पे जो हम देखते हैं एक्चुअल में हम वो नहीं देखते हैं जो है, हम वो देखते हैं जो हमें दिखा रहे हैं, वो हमारे दिमाग के धीरे धीरे कंडीशनिंग करते हैं। फिर होता क्या है, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, जिधर हमारा झुकाव होता है, हमारा झुकाव जिस पार्टी की तरफ होता है, जिस नेता की तरफ होता है, और जो चैनल उस नेता का गुणगान कर रहा होता है, उस पार्टी का गुणगान कर रहा होता है, हम उसी को बार बार देखते रहते हैं, और वो हमारी कंडीशनिंग होती है, वो धीरे 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 हमें बिल्कुल ही अपने जैसा बना देते हैं, फिर हम वही सोचने समझने लग जाते हैं जो कि उस चैनल पर दिखाया जा रहा होता है, ठीक है, हमारी अपनी समझ खत्म, ठीक है, हम जीरो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल कभी नहीं देखता, मेरे घर पर न्यूज़ चैनल नहीं देखे जाते, ठीक है, घर में बच्चे और वाइफ तो मेरी देखती ही नहीं न्यूज़ चैनल, उन्हें लेने देना क्या न्यूज़ से, अब मैं खुद भी नहीं देखता, मूवीज ही देखता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे दिमाग को ना एक चैन मिलता है, तसल्ली मिलती है, एंटरटेनमेंट होता है ना, तो उससे दिमाग को चैन मिलता है, ठीक है, दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। मैं किसी के साथ तर्क उतर्क नहीं करता, किसी के साथ बैठ के बात नहीं करता, आप कभी आ जाओ मेरे ऑफिस में बैठ के मेरे साथ इंग्लिश के लेकर बात करना चाहोगे, मैं नहीं करूंगा, जो भी बात करूंगा मैं क्लास में करूंगा, क्लास से बाहर निकल के फिर मैं इंग्लिश का टीचर नहीं होता हूं, मैं आम आदमी होता हूं और मौज में अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, और मैं उसमें किसी का इंटरफ्रेंस बर्दाश्त नहीं करता। तो बात ये हो रही थी कि वो क्लैरिटी कहाँ से आएगी, हम बुक्स ढूंढते घूम रहे हैं, हम रिसोर्स ढूंढते घूम रहे हैं कि हमें कोई वेबसाइट मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, ऐसा नहीं है बच्चे। अगर एक बार फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए, एक ऐसे लेवल पे आ गए हो कि फंडामेंटल समझ में आने लग गए और ये बेहयात वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है, तो उसके बाद में पता है आप क्या करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, खाली टाइम अपने को देखो। मैं एक एग्जांपल तुम्हें बस देता हूँ, कल मैं एक मूवी देख रहा था ट्रॉय, ठीक है, क्योंकि अगर तुम बुक पे खोए रहे भैया तो तुम्हारी सेल्फ कहाँ गई, तुम तो खुद को सेल्फ में तो कुछ हो ही नहीं, कॉपी पेस्ट रहोगे क्या जिंदगी भर, ठीक है, ठीक है, एक लेवल तक हमें जरूरत पड़ती है, उसके बाद में फिर चीजें खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं कल एक मूवी देख रहा था ट्रॉय, तो ट्रॉय में जो पेरिस होता है ना, वो हेलेन को पेरिस होता है, उसका भाई हेक्टर होता है, वो उसके मेनोलॉज के यहाँ गए होते हैं पार्टी वार्टी में, ठीक है, वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, तो वो जो पेरिस होता है वो हेलेन को साथ ही में लेते आता है अपने भाई हेक्टर को, हालांकि बाद में बताता है जब बीच में उनका शिप पहुंच जाता है काफी दूर निकल आता है, हेक्टर वापस जाना चाहता है लेकिन वो अपने भाई के प्यार में बेचारा मना नहीं कर पाता और हेलेन को लेकर आ जाता है, ठीक है, उसको पता होता है कि ये सब खतरनाक काम कर लिया, गलत कर लिया। जब हेलेन वहां आ जाती है तो उसका जो पेरिस का पिता होता है प्रियम, ठीक है, जब उसको ये पता चलता है तो वो भी थोड़ा सा अपसेट होता है, लेकिन फिर खैर बच्चों के चक्कर में वो भी उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा होता है। तो वहां पे ना वो हेलेन से एक चीज कहता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट कहता है, यू मस्ट बी टायर्ड, गो एंड हैव रेस्ट, ऐसे कुछ कहता है, एंड यू मस्ट बी टायर्ड। अब देखो मैं देख रहा हूं उसमें मूवी में, ठीक है, सबटाइटल वगैरह आते रहते हैं ना इंग्लिश के नीचे, तो उसमें वो उससे कहता है यू मस्ट बी टायर्ड, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है यार मस्ट बी टायर्ड है तो इसको गेट टायर्ड क्यों ना कर दें भाई, लिंकिंग वर्ब तो बी भी है, लिंकिंग वर्ब गेट भी है। अच्छा अगर हम यहां पे बी यूज कर रहे हैं और गेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लिंकिंग वर्ब है, लेकिन हमें पता है कि जो यू मस्ट बी टायर्ड मीनिंग कन्वे कर रहा है वो मीनिंग यू मस्ट गेट टायर्ड नहीं कर पाएगा कन्वे, उसका मीनिंग अलग हो जाएगा और वही लॉजिकल होगा। अच्छा गेट को अगर यूज करोगे तो हमें उसको ऐसे लिखना पड़ेगा यू मस्ट हैव गॉट टायर्ड, तो पता क्या होता है, जैसे मैं फिजिक्स की बुक पढ़ रहा हूं या फिलोसफी की बुक पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता इंग्लिश का लिटरेचर हूं, हिंदी में मैं केवल न्यूज़पेपर पढ़ता हूं घर पे, न भारत टाइम्स, उसके अलावा मैं हिंदी में पढ़ता कुछ नहीं हूं, ठीक है, न भारत टाइम्स एक न्यूज़पेपर है वही मैं पढ़ता हूं, हिंदी का इंग्लिश के न्यूज़पेपर मुझे कभी रास नहीं आते, मुझे पसंद नहीं आते, बहाल लगते हैं तो मैं पढ़ता नहीं, ठीक है, न्यूज़पेपर हिंदी का पढ़ता हूं, किताबें सारी इंग्लिश की पढ़ता हूं, मूवीज भी हॉलीवुड वाली इंग्लिश में ही देखता हूँ, ठीक है, साउथ इंडियन वाले इंग्लिश में बताने बनाते नहीं तो इसलिए हिंदी में देख लेता हूँ क्योंकि उनके साउथ इंडियन मुझे पकड़ में आती नहीं। तो अब कहानी का वो मूवी देख रहा था, मेरे दिमाग में क्लिक किया यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट हैव गॉट टायर्ड, मैंने तुरंत अपना फोन में इसको नोट कर लिया, ठीक है, गूगल का कीपैड होता है ना तो उसमें मैंने नोट कर लिया क
कि अब यहाँ पे क्या डिफरेंस ऐसा हो रहा है कि दोनों लिंकिंग वर्ब है लेकिन यू मस्ट बी टायर्ड अगर हम लिखें और उसकी बी की जगह गेट लिख दें तो यू मस्ट गेट टायर्ड, वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, उसके लिए हमें परफेक्ट फॉर्म हैव गॉट लिखनी पड़ जाएगी। तो वो जो डिफरेंस है ना, फिर मैंने उसको लेकर बैठा और ढूंढ लिया। तो मैं जो कहना चाहता हूं, अगर एक बार हमें फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो उसके आगे की जर्नी अपने आप ही कवर करनी पड़ती है और उसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि टाइम खुद को देना पड़ता है, अपने आप बैठो, जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो, जो आप सुनते हो, जो आप पढ़ते हो, जो आप पढ़ाते हो, उसको एक बार सोचो तो सही, उसको एक बार सोचो तो सही गहराई से। क्या केवल वास्तव में इतना ही है जितना हमने कह दिया, या इससे परे भी कुछ है, या केवल इतना ही है जितना हमने सुन लिया कि इससे परे भी कुछ है? तो अगर उसको टाइम दोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर से चीजें खुद ही आने लग गई बाहर, अपने आप बाहर आने लग जाएंगी। अगर वास्तव में तुम सच्चे लर्नर होगे और कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ काबिलियत होगी, तो अपने आप चीजें बाहर आने लग जाएंगी, तुम्हें अपने आप दिखने लगेंगी और सब छूट जाएगा। ठीक है, मैं कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करता, मैं कोई वेबसाइट फॉलो नहीं करता, मैं इंग्लिश की बुक्स पता नहीं कब से पढ़नी छोड़ चुका हूँ। ठीक है, मुझे कोई देखनी सुननी नहीं पड़ती, अब चीजें अपने आप आती हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसके लिए मैं आपको बुक्स और वेबसाइट बता दूँ, तो भैया बार बार इंसिस्ट नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं है, मानो तो सही, कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कुछ है तो ढूंढ लो, फिर कभी ढूंढ लेना तो मुझे बता देना कि सर आपने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था, देखो इस बुक में, इस नोट में दे रखा, कहीं नहीं है, वो एक सच है जो आप खुद ही रियलाइज करते हो। मतलब मैं कहना चाहता हूँ रियलाइजेशन है, कॉपी पेस्ट नहीं। ठीक है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ फिलॉसफी की, मैं बुक पढ़ रहा हूँ फिजिक्स की, मैं बुक पढ़ रहा हूँ साइकोलॉजी की, लेकिन उसमें कोई ऐसा सेंटेंस लगेगा ना तो मुझे लगेगा कि इंटरप्रेटेबल है, या मतलब इसको कुछ और एक्सप्लेन किया जा सकता है, इससे किसी चीज को रिलेट किया जा सकता है, तो मैं उसको नोट कर लूंगा। मैं मूवी देख रहा हूँ, मूवी में कोई ऐसा डायलॉग है तो मैं उसको कर लूंगा। ठीक है, एक वो थी क्या नाम, रेड मूवी अजय देवगन की, तो उसकी टैगलाइन देखो क्या था, ठीक है, हीरोज डोंट ऑलवेज कम इन यूनिफॉर्म। ठीक, वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अगर हम डिस्कस करें ना नेगेटिव असर्टिव का, तो बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने उसी को पिक कर लिया और एक डेमो क्लास में केवल वही पढ़ाता रहा। ठीक है, तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, खुद को टाइम दोगे, तो अपने आसपास से देखोगे सब ज्ञान भरा पड़ा है, हर एक चीज में ज्ञान भरा पड़ा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर भरा पड़ा, बाहर कहीं जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, दूसरों के साथ बैठेंगे, कुतर्क करेंगे, क्योंकि मुंह चलाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कुतर्क करने में और ज्ञान मतलब एक दूसरे को पेलने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये घटिया चीजें हैं यार। ठीक है, कुतर्क से बचो, संगत से बचो, न्यूज चैनल देखने से बचो। ठीक है, ज्ञान अपने आप आएगा। और बस बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अब यह टाइम हो रहा है और मुझे आज थोड़ा सा ना अपने सीईओ को वो भेजनी है, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह, 7 तारीख हो गई, तो मैं डाउनलोड करूंगा या कि वो भेजूंगा। सभी को गुड नाइट करता हूँ, ठीक है, राम राम करता हूँ, और बस समझ में आया तो मौज करते रहो। द ग्रीन माइल, कास्ट अवे, ये मूवी देख लो सर, निकुंज शर्मा, जरूर देखूंगा बेटा निकुंज। और अब मैं चलता हूँ यार, सभी को बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी, राम राम।